बच्चों आज हम पढ़ेंगे देखो डिविजिबिलिटी बाय 11। ये ध्यान से देखो, ए नंबर इज डिविजिबल बाय 11 इफ द डिफरेंस बिटवीन द सम ऑफ डिजिट एट द ऑड प्लेस एंड द सम ऑफ डिजिट एट द इवन प्लेस इज आइदर 0 और ए मल्टीपल ऑफ 11। बच्चों देखो, जो भी नंबर 11 के साथ डिविजिबल होगा, जो भी नंबर 11 के साथ डिविजिबल होगा कैसे चेक करेंगे, उसका जितना भी ऑड प्लेस है सबको एडिशन करेंगे। उसके बाद उसका जितना भी इवन प्लेस है सबको एडिशन करेंगे। उसके बाद ऑड प्लेस में जितना आंसर आएगा और इवन प्लेस को एडिशन करने से जितना आंसर आएगा दोनों को सब्ट्रैक्शन करेंगे। सब्ट्रैक्शन करने से जितना आंसर आएगा वो 0 होना चाहिए, नहीं तो 11 के साथ डिविजिबल होना चाहिए। हम ऑड प्लेस को जो एडिशन किए हैं और इवन प्लेस को जो एडिशन करेंगे दोनों को सब्ट्रैक्शन करेंगे। सब्ट्रैक्शन करने से क्या जितना आंसर आएगा वो 0 होना चाहिए, नहीं तो ये 11 के साथ डिविजिबल होना चाहिए। तो ये 11 के साथ वो नंबर डिविजिबल होगा। हम एक एग्जांपल करते हैं। देखो ये जो है नंबर 586,949 डिविजिबल बाय 11, इसको चेक करते हैं ये 11 के साथ डिविजिबल होगा कि नहीं होगा, हम चेक करते हैं। तो बच्चों देखो, ये 586,949 इसको चेक करेंगे तो फर्स्ट हम क्या करेंगे, इसका जितना भी ऑड प्लेस है, ऑड प्लेस में जितना भी नंबर है उसको एडिशन करेंगे। इसका ऑड प्लेस कौन कौन सा है देखो बच्चों, इधर से देखते हैं। ये देखो 9 वन प्लेस में है, 1 एक ऑड नंबर है तो 9 होगा। उसके बाद 4 टेंथ प्लेस में है, ये इवन होगा। बच्चों ये देखो ऑड होगा। उसके बाद ये 4 टेंथ प्लेस में है, 10 इवन होता है। उसके बाद ये 100 होगा ऑड प्लेस। उसके बाद 6 होगा इवन प्लेस। उसके बाद 8 होगा ऑड प्लेस, ये ऑड प्लेस बच्चों ये है इवन प्लेस। इधर से चेक करना तो बच्चों ऑड प्लेस में क्या क्या है, 9 है और एक 9 है और 8 है, ये है ऑड प्लेस में। तो इसको एडिशन करने से कितना होगा, 9 9 18 18 और 8 26। इवन प्लेस में क्या क्या है, इवन प्लेस में क्या क्या है, इवन प्लेस में है 4, उसके बाद 6, उसके बाद 5। इसको एडिशन करने से कितना होता है, 6 और 15। अभी क्या करेंगे, दोनों को माइनस करेंगे। ऑड प्लेस माइनस इवन प्लेस, दोनों को माइनस करने से कितना होता है, 26 माइनस 15 11। देखो बच्चों इसको दोनों को सब्ट्रैक्शन करने से आंसर आया है 11। बच्चों 11 के साथ डिविजिबल होता है, 11 के साथ डिविजिबल होगा, इसलिए ये जो 586,949 है ये भी 11 के साथ डिविजिबल होगा। जो और एग्जांपल है देखो, 456,789। बच्चों देखो ये 9 है ऑड प्लेस, 8 है इवन प्लेस, 7 है ऑड प्लेस। देखो जो 9 ये वन प्लेस में है तो 1 ऑड होता है, जो 8 है ये 10 प्लेस में है, 10 देखो 2 डिजिट का नंबर है, 2 एक इवन प्लेस होता है। 7 100 प्लेस में, 100 बच्चों 3 डिजिट का नंबर होता है तो 3 एक ऑड प्लेस है। उसके बाद 6 कौन से प्लेस में है, 1000 बच्चों, 1000 4 डिजिट का नंबर होता है, ये एक इवन प्लेस होगा। और 10,000 ये 5 डिजिट का नंबर है इसलिए ये ऑड प्लेस होगा। और ये 4 है लाख प्लेस, लाख एक 6 डिजिट का नंबर है इसलिए ये इवन प्लेस होगा। इधर से स्टार्ट करेंगे ऑड, उसके बाद इवन, फिर ऑड, इवन और इवन। तो ये 456,789 को चेक करेंगे ये 11 के साथ डिविजिबल होगा कि नहीं होगा। तो इसका जो इतना भी ऑड प्लेस है सबको एडिशन करते हैं। ऑड प्लेस में क्या क्या है, 9 है प्लस 7 है प्लस 5, तो इसको एडिशन करने से कितना होगा, 9 और 7 16 5 21।
ओके उसके बाद जितना भी इवेंट प्लेस है उसको एडिशन करेंगे, इवेंट प्लेस में है 8, 6 और 4, इसको एडिशन करने से कितना होता है 18। तो अभी क्या करेंगे, ऑड प्लेस और इवेंट प्लेस को सब्ट्रैक्शन करेंगे। ओके ऑड प्लेस का आंसर है 21, इवेंट प्लेस का है 18, दोनों को सब्ट्रैक्शन करने से होता है 3। तो बच्चों 3 11 के साथ डिविजिबल नहीं होगा, 3 11 के साथ डिविजिबल नहीं होगा। बच्चों दोनों को सब्ट्रैक्शन करने से आंसर 0 आना चाहिए, नहीं तो 11 के साथ डिविजिबल होना चाहिए। ओके तो ये नंबर 11 के साथ डिविजिबल होगा, 0 आना चाहिए नहीं, आदर 11 के साथ डिविजिबल होना चाहिए। तो बच्चों ये 3 11 के साथ डिविजिबल नहीं होगा, इसलिए ये 456,789 11 के साथ डिविजिबल नहीं होगा। ओके क्यों नहीं होगा, क्योंकि ये जो आंसर आया है 3, ये 11 के साथ डिविजिबल नहीं होता, नहीं होगा, इसलिए ये 456,789 ये भी 11 के साथ डिविजिबल नहीं होगा। अगर ये आंसर जो आएगा वो 0 होगा, नहीं तो 11 के साथ डिविजिबल होगा, तो ये 11 के साथ डिविजिबल होगा। ओके